नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में घुसने की नाकाम कोशिश के दौरान पीएसी के दो जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले शख्स से पुलिस पूछताछ में जुटी है। इस मामले में गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार ने हर पहलू की बारीकी से छानबीन कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस हमलावर ने पुलिस की पूछताछ में अपना पूरा नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी बताया है, जो कि गोरखपुर के सिविल लाइंस में रहने वाले मनीर अहमद का बेटा है। उसका घर अब्बासी नर्सिंग होम के बगल में है। मुर्तजा ने आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मुर्तजा से बयान लेने के बाद पुलिस अधिकारी उसके घर गए और उसके पिता मनीर अहमद को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ से पता चला कि उसके पिता मनीर अहमद भी इंजीनियर हैं। मुर्तजा का परिवार पहले मुंबई में ही रहता था और अक्टूबर 2020 में वहां से गोरखपुर आकर सिविल लाइंस में बस गया। मुर्तजा के परिवार वालों का कहना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही है। वह शनिवार देर शाम से ही घर से लापता था और वे लोग उसकी तलाश कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर रविवार देर शाम पीएसी की 20वीं बटालियन के दो जवान गोपालगढ़ और अनिल पासवान तैनात थे। इसी दौरान अहमद मुर्तजा अब्बासी हाथ में बैग लिए गोरखनाथ मंदिर के मुख्य गेट पर पहुंचा और उसने पीएसी जवानों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।